नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। दीपावली 2018 शुभ मुहूर्त में ऐसे करें पूजन। दिवाली का दिन विशेषतः लक्ष्मी जी के पूजन से संबंधित है। इस दिन हर घर, परिवार, कार्यालय में लक्ष्मी जी के पूजन के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। दिवाली के दिन जहां गृहस्थ और वाणिज्य वर्ग के लोग धन की देवी लक्ष्मी से समृद्धि और वित्त कोष की कामना करते हैं, वहीं साधु संत और तांत्रिक कुछ विशेष सिद्धियां अर्जित करने के लिए रात्रि काल में अपने तांत्रिक कर्म करते हैं। ये है लक्ष्मी पूजा की सामग्री। लक्ष्मी व श्री गणेश की मूर्तियाँ बैठी हुई मुद्रा में, केसर, रोली, चावल, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, खील, बताशे, सिंदूर, शहद, सिक्के, लौंग, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, 11 दीपक, रुई तथा कलावा, नारियल और तांबे का कलश चाहिए। जानिए कैसे करें दीपावली पूजन की तैयारी। एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं या नवग्रह यंत्र की स्थापना करें। इसके साथ ही एक तांबे का कलश बनाएं जिसमें गंगाजल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े में ढककर एक कच्चा नारियल कलावे से बांधकर रख दें। जहां पर नवग्रह यंत्र बनाया गया है वहां पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी या ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र सजाएं। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत, चंदन का श्रृंगार करके फूल आदि से सजाएं। इसके दाहिनी ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। ये है वेदोक्त लक्ष्मी पूजन विधि। आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। यह सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान व पूजन मंत्र ओम दीपावल्ये नमः बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्त्रोत्र बोलिए। अंत में महालक्ष्मी जी की आरती के साथ पूजा का समापन कीजिए। जानिए कैसे करें बही खाता पूजन। बही खातों का पूजन करने के लिए पूजा मुहूर्त समय अवधि में नवीन बहियों व खाता पुस्तकों पर केसर युक्त चंदन से अथवा लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद इनके ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखना चाहिए। इसके साथ ही एक नई थैली लेकर उसमें हल्दी की 5 गांठें, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा, धनिया व दक्षिणा रखकर थैली में भी स्वास्तिक का चिन्ह लगाकर सरस्वती माँ का स्मरण करना चाहिए। इसके साथ ही निम्न मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड नृत्य करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भी देवो सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेज जा डया प्याहा, ओम वीणा पुस्तक धारिण्य श्री सरस्वतये नमः। जो अपने कर कमलों में घटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं, चंद्र के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न हैं, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद बही खातों का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए व निम्न मंत्र बोलें। जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया गया है वहाँ पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी या ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ या चित्र सजाएं। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत, चंदन का श्रृंगार करके फूल आदि से सजाएं।
इसके ही दाहिने ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। ओम वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती आपको नमस्कार है। संक्षेप में कुबेर पूजन। कुबेर पूजन करने के लिए प्रदोष काल व निषिद्ध काल को लिया जा सकता है। ऊपर दिए गए शुभ समय में कुबेर पूजन करना लाभकारी रहेगा। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले तिजोरी अथवा धन रखने के संदूक पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुबेर का आह्वान करें। आह्वान के लिए मंत्र बोलें, आवाहयामि देव त्वामिहा याहि कृपां कुरु, रोषं भद्रधये नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। आह्वान करने के बाद ओम कुबेराय नमः इस मंत्र को 108 बार बोलते हुए धन संदूक की गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। साथ ही निम्न मंत्र बोलते हुए कुबेर देव से प्रार्थना करें, या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड डित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मार्चित शंकर प्रभृति भैर देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेज डाड्या पहा। ओम वीणा पुस्तक धारिण्ये श्री सरस्वती नमः। मंत्र जाप करने के बाद मां सरस्वती का निम्न ध्यान करें, जो अपने कर कमलों में घटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और वाण धारण करती हैं, चंद्र के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न हैं, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद बही खातों का गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और निम्न मंत्र बोलें, ओम वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती आपको नमस्कार है। संक्षेप में कुबेर पूजन विधि। कुबेर पूजन करने के लिए प्रदोष काल व निषिद्ध काल को लिया जा सकता है। ऊपर दिए गए शुभ समय में कुबेर पूजन करना लाभकारी रहेगा। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले तिजोरी अथवा धन रखने के संदूक पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुबेर का आह्वान करें। आह्वान के लिए निम्न मंत्र बोलें, आवाहयामि देव त्वामि हयामि कृपां कुरुम, कोशं भद्रधये नित्यं त्वा परिरक्ष सुरेश्वर। आह्वान करने के बाद ओम कुबेराय नमः इस मंत्र को 108 बार बोलते हुए धन संदूक की गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। साथ ही निम्न मंत्र बोलते हुए कुबेर देव से प्रार्थना करें, धन दाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय चा भगवान तत्प्रसादेन धन धान्य दिसंपदा। इस प्रकार प्रार्थना कर पूर्व पूजित हल्दी धनिया कमलगट्टा द्रव्य दूर्वादि से युक्त थैली तिजोरी में रखें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी स्थिर रहें, इसके लिए दिन भर माँ लक्ष्मी का उपवास रखने के उपरांत सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न वृषभ लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लग्न व मुहूर्त का समय स्थान के अनुसार ही देखना चाहिए। श्री महालक्ष्मी पूजन व दीपावली का महापर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रदोष काल स्थिर लग्न समय में मनाया जाता है। धन की देवी श्री महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना विशेष रूप से शुभ रहता है। इस दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन के शुभ मुहूर्त, स्थिर लग्न में करें पूजन। विशेष पूजन मुहूर्त कुंभ लग्न, समय दोपहर में 1:29 से दोपहर 3:02 तक उज्जैन के समयानुसार। निश्चित काल, समय रात्रि को 11:45 से रात्रि 12:37 तक। प्रदोष काल, समय शाम को 5:06 से रात्रि 7:26 तक। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए 4 अलग अलग मुहूर्त यानी लग्न होते हैं, वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ लग्न। वृषभ लग्न, इस स्थिर लग्न में सभी प्रकार के गृहस्थ मध्यम वर्ग निम्न वर्ग ग्रामीण जन कृषक नौकरी पेशा और सभी प्रकार के व्यापारियों को वृष लग्न में पूजन करने से अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। समय शाम को 6:13 से रात्रि 8:11 तक उज्जैन के समयानुसार। सिंह लग्न,
सिंह लग्न का मूलतः तांत्रिक साधना में विशेष महत्व है। इस लग्न में साधु संत, सन्यासी तथा तांत्रिक जन अपनी साधना को सफल करने के लिए मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस काल में श्री यंत्र और गणेश लक्ष्मी यंत्र को बनाने का विधान है। वृश्चिक लग्न, इस लग्न में पूजन करने से सद्बुद्धि, विकास, समृद्धि और धन की स्थिरता बनी रहती है। मंदिरों, अस्पताल, होटल, व्यवसाय, विद्यालय आदि में इसी लग्न में पूजा करना शुभ व लाभकारी रहता है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोगों को इसी लग्न में पूजन करना चाहिए, जैसे राजनीति से जुड़े लोग, कलाकार, टीवी कलाकार, एंकर, बीमा एजेंट आदि। मकर लग्न, इस लग्न में श्री लक्ष्मी पूजन उन लोगों को करना चाहिए जैसे रोगी, असहाय, कर्जदार या शनि ग्रह से पीड़ित लोगों को इस लग्न में पूजन करने से सर्व बाधा से मुक्ति मिलकर धन व समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग व्यवसाय में लगातार घाटा उठा रहे हैं तथा कर्ज से परेशान हैं, ऐसे लोगों को कुंभ लग्न में पूजन करने से घाटे व कर्ज से मुक्ति मिलती है। वर्ष 2018 में दीपावली 7 नवंबर बुधवार के दिन रहेगी। इस दिन स्वाति नक्षत्र है। इस दिन प्रीति योग तथा चंद्रमा तुला राशि में संचार करेगा। दीपावली में अमावस्या तिथि, प्रदोष काल, शुभ लग्न व चौघड़िया मुहूर्त विशेष महत्व रखते हैं। रविवार की दीपावली व्यापारियों, क्रय विक्रय करने वालों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।